जी, तो आज हम सेंसिटिविटी एनालिसिस में यूनिट वर्थ ऑफ ए रिसोर्स पे बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, ये प्रीवियस लेक्चर में हम M1 रिसोर्स को देख चुके हैं, उसकी यूनिट वर्थ कैलकुलेट कर चुके हैं, और आज हम M2 की यूनिट वर्थ निकालेंगे। और आप देखें, ये जो लाइन है ये M1 से रिलेटेड है, इसकी फ्लक्चुएशन हम देख चुके हैं, इसको इधर वेरी किया मैक्सिमम लेवल पे और डाउनवर्ड भी आप लेके गए। तो हम करना क्या चाह रहे थे, उसकी मैक्सिमम देखना चाह रहे थे कहाँ तक जा सकती है और मिनिमम। तो आज हम दूसरी रिसोर्स की बात करेंगे। ये रिसोर्स अगर हम फिक्स्ड समझें, और ये आप देख लिया x1 + 2x2 < 6, ये M2 रिसोर्स है, 6 tons अवेलेबल है, और आज हमने इसको वेरी करके देखने, आपको पता होगा ये राइट हैंड साइड होती है, अगर इसको चेंज करें तो ये लाइन पैरेलल स्लाइड करती है, स्लोप चेंज नहीं होता क्योंकि स्लोप डिपेंड कर रहा होता है इसके ऊपर। ये 1 है, ये 2 है, ये हम फिक्स्ड रखेंगे, सिर्फ राइट हैंड साइड को चेंज करेंगे। तो राइट हैंड साइड को चेंज करने का मतलब है वो लाइन पैरेलल स्लाइड करेगी। और आप जरा गौर करें, मैं स्लाइड्स के थ्रू इसको लेके जाने से पहले मैं आपको वैसे ही ऑब्जर्व करना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, अगर ये मैं लाइन डाउनवर्ड स्लाइड करूं, ये लाइन तो फिक्स्ड है, तो ये सी पॉइंट नीचे मूव करेगा या ऊपर मूव करेगा? मैं इस लाइन को नीचे लेके जाना चाह रहा हूं, ये नीचे, जब मैं नीचे लेके जाना चाह रहा, तो ये लाइन कहीं यहां से गुजरेगी और इसको टच करेगी यहां पे, तो बताइए सी डाउनवर्ड मूव करेगा या अपवर्ड? डाउनवर्ड सर। डाउनवर्ड। और एक और क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, सी इसी M1 लाइन के ऊपर ही स्लाइड कर रहा है या इसके अलावा भी उसकी कोई मूवमेंट है? ये देखें, जब आप इसको इतना डिक्रीज कर रहे सर हो, ये सी लाइन के ऊपर यहां तक स्लाइड करेगा, इट मींस इसको जितना नीचे लेके आएंगे लाइन को, सी इधर आ जाएगा, यहां से कट करेगा, इस लाइन को पैरेलल थोड़ा सा और नीचे लेके आए, सी इधर कट करेगा, तो सी जो कट कर रहा है वो M1 लाइन के ऊपर, M1 लाइन यानी सी की जो मूवमेंट है वो N1 लाइन के अलोंग है, जो M1 से रिलेटेड कंस्ट्रेंट से रिलेटेड कंस्ट्रेंट है। तो आपको नजर आ रहा है, बजाय इसके कि हम उसको एक एक करके चेक करें, आप स्केल को रखें इधर इस लाइन के ऊपर, M2 रिसोर्स वाली लाइन के ऊपर, और इसको स्लाइड करें और देखें सी रिज, इसी रिज, देखिए आपका शेडेड रीजन ये है, इस रीजन के अंदर अंदर ये शॉर्टर होता जाए तो कोई इश्यू नहीं है, क्यों? रीजन के अंदर ही फिजिबल स्पेस आएगी 4 की 4 कंस्ट्रेंट्स की। तो ये जब तक ये स्लाइड करता रहेगा नीचे, और हम इसी शेडेड रीजन को थोड़ा सा श्रिंक करते रहेंगे, तो आपकी चारों की चारों कंस्ट्रेंट्स अभी भी सेटिस्फाई हो रही होंगी। जैसे ये सी पॉइंट, ये जो रीजन मैक्सिमम आपको नजर आ रहा है, इस एरिया से कहीं बाहर जाने की कोशिश करेगा तो फिर वायलेशन आएगी। तो इट मींस आप बताएंगे, तो ये सी स्लाइड करते हुए लास्ट कहां तक जा सकता है? ये सी स्लाइड करता सर बी पॉइंट तक। बी पॉइंट तक, गुड। आपका जैसी लाइन इधर लाइन, सी इधर आ जाएगा और नीचे लेके जाए, नीचे आ जाएगा, ये बी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे बी से नीचे जाएगा तो समझ ले ये जो सॉल्यूशन स्पेस है उसकी वायलेशन हो जाएगी। तो ये तो मुझे इधर देखकर ही पता चल रहा है स्लाइड किए बगैर कि ये बी तक जाएगा। तो जरा चेक करते हैं 1 by 1। तो मैं M1 को असल में ना डिक्रीज करके देखने लगा, तो ये 6 है, मैं थोड़ा सा 6 से कम करता हूं ये लाइन, तो सी हमारा शिफ्ट हो जाएगा इधर, और हमारी सॉल्यूशन स्पेस क्या रह जाएगी, ये बाहर चली जाएगी, क्योंकि अब इस लाइन के नीचे ऊपर वाला तो सॉल्यूशन स्पेस होगी नहीं, तो ये एरिया बन जाएगा। तो बेशक ये एरिया श्रिंक हो रहा है, लेकिन अभी भी जो एक्चुअल मॉडल की शेप है उसके अंदर अंदर ही है, तो इट मीन्स यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इस सी को और नीचे स्लाइड करेंगे, ये मैं उस बी पॉइंट तक लेके गया, क्योंकि अभी स्टूडेंट ने कहा था ये बी तक। तो अभी भी आप देखें आपकी सॉल्यूशन स्पेस, यहां जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये जो डी है, ये जो एक लाइन है, ये डी इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो ये दोनों ई और डी इधर ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन आपकी सॉल्यूशन स्पेस ये जो थी,
ये वाली और ये वाली उसके अंदर अंदर ही है, तो कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन यहां तक नहीं है। इट मीन्स आपका यहां तक कोई इशू नहीं है, इसके नीचे लेके जाएंगे तो फिर वायलेशन हो जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन स्पेस जितनी कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें कोई एक आध कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन हो जाएगी। इट मीन्स आपने देखा कि आप अपना M1 M2 जो रिसोर्स है 6 से लेके आए, 5 किया, 4 किया, और 4 से नीचे आप नहीं लेके जाते। ये 5 और 4 मैंने ऐसी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ली हैं, मुझे मिनिमम वैल्यू का पता था 4 का, तो मैंने उस हिसाब से ये ऐसे सिर्फ आपको दिखाने के लिए प्लेस की। अदरवाइज इस सर मेरा क्वेश्चन है जी, सर जब हमने सॉल्यूशन स्पेस एक दफा निकाल ली है तो सर हम इसको कम और ज्यादा क्यों कर रहे हैं? मैं इसका आंसर अभी भी शॉर्टली करता हूं और एंड पे इसको डिटेल में डिस्कशन करनी है, और वाकई आपका क्वेश्चन वैलिड, इसी क्वेश्चन का तो आंसर इधर करना है इसमें, तो ये कर इसलिए रहे हैं। चलिए मैं शॉर्टली ये कर देता हूं। आपकी M2 रिसोर्स जब मॉडल बना था तो आपने वो मॉडल बनाया था 6 tons M2। आपका गुड नेम, ताकि मैं साथ साथ आपसे पूछता रहूं, आपका गुड नेम? सर हसीम मुश्ताक। दोबारा से? हसीम मुश्ताक सर। हसीम मुश्ताक, हसीब कह लेता हूं। तो अब आप देखें, आपने 6 tons M1 M2 के लिए ये मॉडल बनाया हुआ है, M2 6 tons। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जहां से मटेरियल आप डेली परचेज कर रहे हैं शॉर्टेज हो जाए, कम मटेरियल मिले आपको, हो सकता है? बताइए यस सर नो। यस सर। तो हमने देखना है कि कितनी मिनिमम रेंज है 6 की, कितना कम मटेरियल मिल जाए हमारा उसी तरह से वर्क होता रहेगा। ठीक है, हमारी प्रॉफिट कम होगी, हमारी प्रोडक्ट भी थोड़ी सी कम प्रोड्यूस होंगी, लेकिन तमाम कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन नहीं हो रही, हमारा मॉडल रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, वही है मॉडल, यानी हमें कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कर सकेगा। और अगर शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो जाए, यहाँ पे वो शॉर्टेज की रेंज हमने निकाली है 4, यानी M2 को 4 तक हम लेस कर सकते हैं, उससे नीचे लेके जाएंगे तो वो वायलेशन हो जाएगी। जब आपकी कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन नहीं है तो आपका तो वो सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो इट मींस अगर M2 4 से नीचे मिलेगी आपको, शॉर्टेज हो जाएगी, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बजाय बल्कि उस काम को पेंडिंग कर दोगे या रीडिजाइन करोगे, जो नई अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर मॉडल अपना डिजाइन करोगे। जी बताएं, पॉइंट की समझ आई इस पॉइंट की? यस सर, क्लियर हो गया। और दूसरी, ऊपर मैक्सिमम रेंज वो भी हमने देखनी है। मैक्सिमम रेंज में हम ये देखेंगे कि अगर हम इसको कितना इंक्रीज कर सकते हो, और वो क्यों करके देखते हैं, यहां तो शॉर्टेज की बात मैंने की है, वहां पे ये इसलिए करते हैं कि हो सकता है शुरू में आप 6 tons इसलिए ले रहे हो, या तो जहां से आप 6 tons ले रहे हैं वो 6 tons से ज्यादा आपको दे नहीं सकता, या आपकी अफोर्डेबल प्राइस 6 tons है, आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते इसलिए आपने 6 tons पे मॉडल किया, या कोई भी और दूसरी रीजन हो सकती है। आपने 6 पे मॉडल कर लिया, दो रीजन तो मैंने बता दी, और भी रीजंस हो सकती हैं। जब आपने मॉडल कर लिया और अगर उनमें ये रीजन हुई कि आपको डेली उधर से इतनी M2 मटेरियल नहीं मिल रहा था, और अगर उधर से मिलना शुरू हो जाए तो आपके पास पता होना चाहिए कि आपका मॉडल कितनी ज्यादा M2 के ऊपर वर्क कर सकता है, वो रेंज भी, और ये आपकी अफोर्डेबल प्राइस अगर बढ़ जाए तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हो। जी, पॉइंट क्लियर हुआ? हसी? यस सर, क्लियर हो गया। उसको हम सेंसिटिविटी एनालिसिस, अब देखें ग्राफिकली विजुलाइज हो रहा है कि कहां तक हम इसको चेंज कर सकते हैं, और वही हम चेक कर रहे हैं। तो यहां पे ग्राफ में जो इंपॉर्टेंट था वो ये था, मैं दोबारा से दिखाता हूं। अभी आपने जो देख लिया तो मुझे बताएं इस लाइन को स्लाइड करते हुए कहां तक लेके जा सकते हैं, इस बी तक पैरेलल स्लाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट हमने वो ढूंढना है जहां तक हम उसको स्लाइड कर सकते हैं, ताकि हमारी कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन ना हो। दो पॉइंट्स ढूंढने हैं, मिनिमम हमने ढूंढ लिया बी, और अब हमने इंक्रीज करके भी देखना है। देखिए मिनिमम, अभी तो मैं आपको इधर ड्राइंग के जरिए बता रहा हूं, आपने तो जस्ट एक स्केल रखना है और ऐसे करते हुए वो पॉइंट निकाल लेना है। और आपको ये पता है कि ये जो M2 आप ड्रैग कर रहे हैं नीचे, तो पॉइंट आपका स्लाइड कर रहा है M1 के ऊपर,
तो आप M1 के ऊपर ही पॉइंट देखना चाह रहे हैं, वो कौन सा पॉइंट है जहां तक ये लेके जा सकते हैं, और कौन सा पॉइंट है, वही सी, सिक्स कॉर्नर पॉइंट्स है। सिक्स कॉर्नर पॉइंट्स में जब आपने सेंसिटिविटी एनालिसिस से पहले ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला था तो कौन सा पॉइंट निकला था ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हसीब बताइएगा? सर सी निकला था। सी। अब एक कॉर्नर पॉइंट सी था आपका ऑप्टिमल, अब आपने M2 रिसोर्स को चेंज करते हुए उसी पॉइंट को देखना है कि उसमें वेरिएशंस क्या आ रही हैं, और क्योंकि वही पॉइंट ऑप्टिमल रहेगा, ऑप्टिमल भी वही, आप जी में इधर प्लॉट नहीं किया, अगर आप जी प्लॉट कर लें तो अभी भी जी को ड्रैग करेंगे तो वही ऑप्टिमल होगा, हाँ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि जब वो शिफ्ट करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज हो जाएंगे। तो X1 है आपका एक्सटीरियर पेंट इंटर्न्स, X2 आपका है इंटीरियर पेंट इंटर्न्स, वो चेंज हो, सॉल्यूशन की वैल्यू चेंज हो रही है, या ये कह लें सॉल्यूशन चेंज हो रहा है, लेकिन कॉर्नर पॉइंट वही है। तो कॉर्नर पॉइंट आप देख रहे हो कहां तक ये स्लाइड कर सकता है M1 के, तो आप M1 के ऊपर इसकी स्लाइड को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो बड़ा आसान सा मेथड है, M2 के ऊपर स्केल रखी, ऐसे ड्रैग करें पैरेलल, स्केल हिले ना, अगर हिल भी जाते हैं तो दोबारा से ऐसे कर सकते हो, और आप देख रहे हो कि ये जो आपका कॉर्नर पॉइंट है सॉल्यूशन सी, उसको आप देख रहे हो वो स्लाइड करते हुए, और स्लाइड किसके ऊपर कर रहा होगा, उसी कंस्ट्रेंट को जो M2 को कट करके जा रही है, यानी आपका ये जो सी पॉइंट था ये इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस था M1, M2, M2 चेंज कर रहे हो, M1 के ऊपर ही ये पॉइंट स्लाइड करता हुआ, और आपने देखना है आखिरी हद तक ये कहां तक स्लाइड करता है, जहां तक स्लाइड करता है सिर्फ वो पॉइंट ढूंढना है, कहीं नहीं लिखा कि आप उसको कैलकुलेट करके हुए देखें, स्लाइड ऐसे करें और वो देख लें किस पॉइंट तक वो आप स्लाइड कर सकते हो। यही काम आपने फिर ओरिजिनल, आपके पास ओरिजिनल ड्राइंग ही है, मैं तो इधर उस ड्राइंग को चेंज करके आपके सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन को आपको ऑब्जर्व करवाया जाए कि नहीं हो रही, और जब उससे नीचे जाता है तो फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ आप कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन हो रही है, तो आपको ये रीजन देने के लिए कि ये आप जो स्लाइड कर रहे हो तो ये बिल्कुल ठीक कर रहे हो। जी पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अब आपका जब ये पॉइंट मिल गया, आप सिर्फ इस पॉइंट को मार्क कर ले, यहां तो ऑलरेडी इसका नाम बी था, आप कोई और नेम दे लें, क्योंकि आपने सेंसिटिविटी एनालिसिस करी, ये बी ही रख लेते हैं। फिर अब आप वही ओरिजिनल ड्राइंग तो आपकी है, उसी ड्राइंग पे फिर स्केल रखें उसी M2 लाइन के ऊपर और उसको ऊपर लेके जाएं, तो फिर देखना है कि ये सी पॉइंट, इस ये जो रीजन आपका है इससे बाहर तो नहीं, कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन तो नहीं होती, तो अब देखें ये मैंने नीचे जाके देखा स्लाइड करते हुए यहां तक गया, ये मैंने ये लाइन मार्क कर दी, यानी ये मेरा बी पॉइंट है, अब मैं इसको ऊपर लेके जाने लगा हूं, जरा देखिएगा ये ऊपर, तो ये 4 तक गया था, ये 4 मैंने कहा हमने कैलकुलेट कर ले, अब देखना है ये 6 से ऊपर कितना जाता है, ये लाइन अगर मैं इसके ऊपर करूं तो हमारी स्पेस क्या बनेगी, ये अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आपके शेडेड रीजन से बाहर, ठीक है एक्सपेंड हुआ है, वो श्रिंक भी हो रहा था, एक्सपेंड भी हो रहा है, लेकिन देखिये कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन नहीं है, जरा देखिएगा नोट कीजिएगा, ये लाइन है एक कंस्ट्रेंट, इधर ये स्पेस, ये लाइन है नीचे ही है उसके स्पेस उसी के, ये लाइन है उसके इधर ही है और इस लाइन के भी नीचे इधर ही है, तो अभी भी सारी कंस्ट्रेंट्स की सेटिस्फेक्शन हो रही है, तो आप जो मैंने पहले स्टेटमेंट दी थी कि शेडेड रीजन के अंदर ही रहे, उसका मतलब ये था कि आपकी कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो श्रिंक हो रहा हो या एक्सपेंड कर रहा हो, पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अब थोड़ा सा अब देखिए आपका सी पॉइंट उसी लाइन के अलोंग शिफ्ट हो रहा है, स्लाइड कर रहा है, M1, ये M1 है, ये M1 पहले वो यहां से नीचे मूव कर रहा था, अब इधर से ऊपर स्लाइड करेगा, और कब तक स्लाइड करता जाएगा कि कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन ना हो, तो जरा देखिएगा थोड़ा सा और लेके जाते हैं, ये मैं इधर तक लेके जाता हूं, यहां तक भी वायलेशन नहीं हो रही, क्यों, इससे बाहर लेके जाऊंगा तो ये देखें आपका सी पॉइंट इधर स्लाइड कर रहा है, इससे ऊपर लेके जाऊंगा तो ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ये अब ये कम से कम इस कंस्ट्रेंट्स के ऊपर जा रहा है, इस कंस्ट्रेंट्स, आपको पता है ये कंस्ट्रेंट क्या थी, ये आई थिंक x2 = 2 थी, वो जो
हॉरिजॉन्टल हमने किसी वक्त जब ये ग्राफिकल मेथड किया था उस वक्त मैंने आपको करके दिखाया हुआ था, याद आया कुछ? यस सर। तो अब इससे बाहर, इसका मतलब ये लास्ट पॉइंट है सी, जहां तक आप स्लाइड कर सकते हो, इस पॉइंट को मार्क कर ले, मैं एच इसका नाम रख लेता हूं। तो मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दी, ये देखें ब्लू कलर में, तो ये ब्लू नेवी ब्लू कलर में ये वो लाइन है इस कंस्ट्रेंट की जहां तक हम इसको लेके जा सकते हैं मैक्सिमम, और ये लाइन है जहां तक उसको पैरेलल नीचे तक लेके जा सकते हैं। तो ऊपर तक लेके जाएंगे तो आपकी M1 के अलॉन्ग, जरा M1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये C पॉइंट आपका ऑप्टिमल पॉइंट, ऑप्टिमल भी यही रखना है, यानी ऑप्टिमल पॉइंट C ही होगा, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन उनकी वैल्यूज चेंज हो रही है, ये जरा माइंड में रखिएगा। कॉर्नर पॉइंट C ही ऑप्टिमल है, तो ऑप्टिमेलिटी को हम इधर उधर, सिर्फ ऑप्टिमेलिटी शिफ्ट हो रही है, लेकिन वही कॉर्नर पॉइंट स्लाइड कर रहा है, कोई नया कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहा। तो नया कॉर्नर पॉइंट ना आने को हम इस तरह से कह सकते हैं कि आपका अभी भी ऑप्टिमल पॉइंट सी ही है, ए बी सी डी ई एफ सिक्स में से सी ही है। हाँ, उसका सोल्यूशन जरूर चेंज होगा, जब वो शिफ्ट हो रहा है तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे तो एक्स वन और एक्स टू की वैल्यूज चेंज होंगी, एक्स वन और एक्स टू की वैल्यूज चेंज होगी तो हम कहेंगे एक्सटीरियर पेंट जो ऑप्टिमल लेवल पे प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। पहले तो वो ओरिजिनल मॉडल में एक्स वन 3 टन्स था और एक्स टू 1.5 टन्स था, अब वो क्योंकि शिफ्ट हो रहा है तो प्रोडक्शन थोड़ी सी, जाहिर है मटीरियल एम टू ज्यादा आएगा तो प्रोडक्शन भी तो ज्यादा हो जाएगी ना आपकी, उसकी एक्स टू एक्स वन और एक्स टू जो इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट ज्यादा बनेगा। यहाँ फोकस अगर मैं कह रहा हूँ ऑप्टिमल पॉइंट हमारा अभी भी वही है, वो मीन्स वो कॉर्नर पॉइंट वही है, ये मतलब है, अदरवाइज सॉल्यूशन चेंज हो रहा है, वैल्यूज चेंज हो रही है उसकी, यानी वैल्यूज चेंज हो रही है। तो आपने देखा M2 को इधर मैंने स्केल के जरिए स्लाइड किया तो मेरे पास बी पॉइंट आया, स्केल के जरिए ऊपर स्लाइड किया तो H, तो दो पॉइंट ही आपने ढूंढने थे M1 के अलॉन्ग, M1 के ऊपर ही, सिर्फ देखना था कि एक तो आपको ऑप्टिमल पॉइंट चेंज ना हो, कॉर्नर पॉइंट वही रहे, और दूसरा आपने देखना था कंस्ट्रेंट्स में किसी की वायलेशन ना हो, दो चीजें आपने सामने रखी, कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन ना हो और आपको ऑप्टिमल कॉर्नर पॉइंट भी वही हो सी। हाँ, फिर कह रहा हूं उसकी वैल्यू जरूर चेंज होगी लेकिन कॉर्नर पॉइंट अभी भी वही ऑप्टिमल होगा। तो इट मीन्स आपने ये दो कॉर्नर पॉइंट जब आपको मिल गए, अब आप M2 की यूनिट वर्थ निकाल सकते हो। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि M2 हमें एक टन, हमारे प्रॉफिट में कितनी कंट्रीब्यूशन है एक टन, तो यहाँ पे नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं जब इसको वाइंड अप करता हूँ तो मैंने वाइंड अप करते हुए आपको इसको हाईलाइट करूंगा कि इसका मतलब क्या है। M1 में मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारी डिटेल बता दी गई है, अगर आप उस लेक्चर को उसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखें, वो जो थी यूनिट वर्थ ऑफ ए रिसोर्स M1, जो सेंसिटिविटी एनालिसिस हमने पहले किया था M1 के ऊपर, जब M1 को चेंज किया था तो M2 के अलॉन्ग ये C पॉइंट स्लाइड कर रहा था और उसमें हमने M1 की यूनिट वर्थ कैलकुलेट की, उसमें मैंने सारी बातें ये कर दी हुई हैं, उसको रिपीट करूंगा ताकि रिवाइज हो जाए और आप इस चीज, ये टॉपिक मैच्योर हो जाए, आपको इसमें कहा क्या जा रहा है। तो अभी सिर्फ हम कैलकुलेशन देखते हैं, इसकी यूनिट वर्थ लेते हैं, फिर इस यूनिट वर्थ देखिए, यूनिट और वर्थ मतलब M2 की यूनिट वर्थ, यानी M2 का एक टन वर्थ का मतलब है कितना बेनिफिशियल है इस कंपनी के लिए, रेडीमिक्स के लिए, और वो बेनिफिशियल कैसे पता चलेगा, हमने कैलकुलेट करना है एक टन M1 की प्राइस नहीं, एक टन M1 का प्रॉफिट भी नहीं, क्यों, M1 तो रॉ मटेरियल है, प्रॉफिट तो एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट पे है। हाँ, M1 के एक टन की वजह से प्रॉफिट में जो चेंज आ रही है, जाहिर है मटेरियल ज्यादा लेंगे तो एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट ज्यादा बनेंगे, जब ज्यादा बनेंगे तो प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, जरा गौर कीजिएगा मेरी वर्डिंग पे। तो आपका एक टन M1 अगर एडिशनल ऐड करते हैं इस मॉडल के अंदर तो आपके प्रॉफिट में जो रेस हो रही है वो ये बता रही है कि ये एक टन M1 इतना आपको फायदा दे रहा है, एक टन M1 आपके आपको प्रॉफिट दे रहा है, ये कह सकते हैं
एक टन एम वन आपको प्रॉफिट दे रहा है, हालांकि प्रॉफिट मिल रही है एक्सटीरियर और इंटीरियर पे, लेकिन जब एक टन आप इंक्रीज करते हो तो जितना मटेरियल, जितना एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट चेंज होता है, इंक्रीज होता है, तो उससे आपकी प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाती है। तो हम उसको इनडायरेक्ट वे में ये कह सकते हैं कि ये एम वन की वजह से एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट थोड़ा सा ज्यादा बना और प्रॉफिट इंक्रीज कर गया। तो अब मैं कह सकता हूं एम वन की ये एक टन एम वन की कंट्रीब्यूशन ये है। इसको वर्ड में यूज करूंगा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट के अंदर। तो पहले हम एम टू की यूनिट वर्थ निकाल लेते हैं कि एक टन की वैल्यू क्या आती है, फिर इस पे दोबारा डिबेट कर लेते हैं। तो बताइएगा समझ आ रही है आप लोगों को? जी यस सर। अभी हम और मैंने आपको कहा था कि आपने जो यूनिट वर्थ का फॉर्मूला है वो ये होगा, आपको दो पॉइंट्स मिल गए, एक बी और दूसरा पॉइंट है एच। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर प्रॉफिट देखनी है कितनी है। यानी बी पॉइंट पे आपके पास जी तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ही, तो मैं बी पॉइंट पे देखूंगा मेरा प्रॉफिट क्या है। मैं करने से पहले आपको थोड़ा सा पहले से उसका कोई लेआउट बना लेते हैं। आपने बी पे प्रॉफिट देखना है क्या है, बड़ी आसानी से बी पॉइंट इधर से हम कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ से देखेंगे बी पॉइंट कौन सा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। और एच पॉइंट हम देखेंगे वो भी ग्राफ से देखेंगे ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वन और एक्स टू। ये एक्स वन और एक्स टू बी वाले हम जेड में डालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो एक प्रॉफिट निकल आएगा, हम कहेंगे ये प्रॉफिट बी पॉइंट पे। फिर हम एच पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन एक्स टू वो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर प्लेस करेंगे तो हम देख लेंगे कि एच पॉइंट के ऊपर कितना प्रॉफिट है। तो ये हमें दो प्रॉफिट मिल गए एच पे और बी पे। जो एच पे प्रॉफिट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ये कहेंगे कि अगर एम वन हम इतना इंक्रीज करेंगे, यानी एच पॉइंट वही है जहां तक आप एम वन को इंक्रीज कर सकते हो मैक्सिमम, तो हम ये कह सकते हैं एच के ऊपर जो प्रॉफिट आएगा कि एम वन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके ऊपर ये प्रॉफिट है, और बी के ऊपर जो प्रॉफिट है हम कहेंगे एम वन को कम से कम मिनिमम कितने लेवल पे लेके जा सकते हैं वो बी पॉइंट है, उस पे जो प्रॉफिट मिलेगा हम कहेंगे ये वो एम वन की मिनिमम अमाउंट है जिसके ऊपर ये प्रॉफिट है। तो हमें दो प्रॉफिट मिल गए, एम वन को मिनिमम कितना कर सकते हैं उस पॉइंट पे प्रॉफिट मिल गया, और एम वन को इंक्रीज कहां तक कर सकते हैं एच पॉइंट तक, उस पे प्रॉफिट मिल गया। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो चेंज इन जी, जी प्रॉफिट है ना, तो चेंज इन जी ये वो प्रॉफिट आ जाएगा उन दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस का, यानी जो आपने मैक्सिमम पे और मिनिमम पे लिया ये प्रॉफिट चेंज। आपने निकालना है एक टन एम वन की वर्थ, तो उस चेंज को, चेंज इन प्रॉफिट को चेंज इन एम मटेरियल पे डिवाइड कर देंगे। यानी अगर मटेरियल पे देखें जो प्रॉफिट आ रहा है उसको मटेरियल की क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो यूनिट यूनिट यानी आपकी एम टू की वर्थ निकल सकती है। तो तय ये हुआ कि आपकी यूनिट वर्थ जो M2 की होगी वो होगी चेंज इन Z फ्रॉम B टू H और डिवाइडेड बाय M1 की चेंज मटेरियल में, क्यों पहले वो मटेरियल ये यहां पे मैंने बताया हुआ है लेकिन हमने ये कैलकुलेट करना है। ये 4 है, मिनिमम 4 टन तक लेके जा सकते थे, मैक्सिमम 6.67 इधर लिखा हुआ है, मैंने इधर लिखा हुआ है, हमें अभी बिल्कुल नहीं पता ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हमने दो चीजें कैलकुलेट करनी है, मटेरियल M2 मैक्सिमम कितने टन हो सकता है, मटेरियल M1 M2 मिनिमम कितने टन हो सकता है। ये दो डिफरेंस आ गए, यानी पॉइंट H पे M2 कितने टन है और पॉइंट B पे M2 कितने टन है, उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो प्रॉफिट का डिफरेंस दोनों पॉइंट्स पे पहले ही है, उसको डिवाइड कर देंगे मटेरियल की चेंज पे कि मटेरियल कितना चेंज हो रहा है, एच पॉइंट पे एम टू क्या है और बी पे एम टू क्या है, उसका डिफरेंस। तो प्रॉफिट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय मटेरियल की क्वांटिटी का डिफरेंस, ये आपकी यूनिट वर्थ निकल आएगी। तो जी बताएं यहां तक चीज क्लियर हुई? जी ये करके दिखाने लगा, ये अभी मैं यही चीज मैंने अभी बताई, मैं आपको विजुअलाइज करवाता हूं। ये देखें यूनिट वर्थ का फॉर्मूला जैसे भी मैंने कहा था, सपोज हम कर लेते हैं y2 आपका है यूनिट वर्थ ऑफ ए रिसोर्स m2, सपोज कर लिए एक वेरिएबल ले लिया y2, और y2 क्या होगा चेंज इन z
यानी चेंज इन प्रॉफिट फ्रॉम बी टू एच, अभी मैंने यही बात की है। डिवाइड किससे करेंगे, चेंज इन एम टू यानी चेंज इन मटेरियल एम टू, उसकी अमाउंट क्वांटिटी टन्स में जो चेंज हो रहा है फ्रॉम बी टू एच। तो मटेरियल की चेंज प्रॉफिट की चेंज को मटेरियल की चेंज पर डिवाइड कर देंगे तो ऊपर प्रॉफिट है, ये इस इतने प्रॉफिट का जो डिफरेंस है उसको इतने डिफरेंस से डिवाइड कर दें तो एक टन M2 का प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि प्रॉफिट को मटेरियल से डिवाइड कर रहे हैं। ये ऐसे कह सकते हैं जब मैं कहूं ये 100 टन्स का ये प्रॉफिट है, एक टन का प्रॉफिट क्या होगा, वो मटेरियल को डिवाइड कर दें तो एक टन का प्रॉफिट निकल आता है। तो बैकग्राउंड पे फॉर्मूला वही है, लेकिन इधर क्योंकि चेंज है प्रॉफिट की तो उसको मटेरियल की चेंज से ही डिवाइड करना है ताकि हमें यूनिट प्रॉफिट निकल आए। तो अब आप देख सकते हैं मुझे Z चाहिए B, और इस B पे चाहिए Z और इस H पे, तो मेरे पास Z कौन सी है ये देखें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मुझे पता है। तो B क्या है हमारा, ग्राफ से देखेंगे B, B 1 2 3 4, 4 और X1 एक्सेस को कट कर रहा है, इट मींस 4 0, ये कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0, तो ये आपका B बन गया 4 0। और H क्या होगा, H को भी आप देखेंगे 1 2 2 point something है, ये देखिए 3 को नहीं जा रहा, 3 से नीचे ही है। तो ग्राफ को अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो ये ग्राफ से देखेंगे ये पॉइंट बनेगा 2.66। तो इसका x एक्सिस, मैं इस H पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसका x एक्सिस 2.66 और इसका यानी x1 एक्सिस बताया, x2 एक्सिस क्या है, वो वही 2 ही है, ये देखिए ये 2 है, तो x1 है 2.66 और x2 है 2, तो ये h पॉइंट आ गया 2.66, 2। और b क्या है, x1 4 है और x2 0 है। जी दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, ग्राफ से देखे जा सकते हैं। यस सर। अब आपने ये सिर्फ बताने के लिए इतनी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज सॉल्व करने में ये 15 to 20 मिनट्स में ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत शॉर्ट वे में अगर आपको कॉन्सेप्ट। अब देखें 4 0 मुझे निकला B, तो ये x1 है ये x2 है, तो ये मेरा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो x1 इधर 4 और इसको 0 पुट कर दूं, ये मैंने करके दिखाया x1 4 और x2 0, तो ये 20 आया। और इसी तरह h पॉइंट को इसी z के अंदर अप्लाई करना है, इसको 2.2 x1 आपका 2.66 है और x2 2 है, तो ये आपने 5 × 2.66 प्लस 4 × ये 2, तो ये आपके पास निकला 21.3। तो आप कह सकते हो B पॉइंट पे प्रॉफिट है 20, H पॉइंट पे प्रॉफिट है 21.3। तो आपने क्या लेना है, चेंज इन Z फ्रॉम B टू H डिफरेंस, ये देखें 21.3 माइनस 20। अब आपने निकालना है चेंज इन M2 फ्रॉम B टू H, तो आपने M2 देखने है, उन दो पॉइंट्स पे M2 क्या है। अब आपके पास M2 की कंस्ट्रेंट ये है, आपको याद होगा ये कंस्ट्रेंट है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6, इसी कंस्ट्रेंट को लेफ्ट हैंड साइड ही आपका ये 6 पुराना था ओरिजिनल। अब आपने इन पॉइंट्स के ऊपर इन दोनों का सम लेके देखना है ये मटेरियल कितना है, तो आपके पास B है 4 0, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करें, x1 को कर दे 4, इसको कर दे 0, तो ये मैंने इधर करके दिखाया ये आ जाएगा 4, यानी 4 टन्स B पे ये मटेरियल जो M1 उस पॉइंट के ऊपर पॉइंट को पुट करके हमने निकाला तो वो निकला 4। फिर आपने दूसरे पॉइंट H जो आपके पास 2.66, 2 है, इन दो पॉइंट्स को इसी कंस्ट्रेंट की लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करें, 2.66 + 2 × 2, ये पॉइंट क्या था, हाँ ये इसका कोएफिशिएंट 1 था, 1 × 2.66 ये आ जाएगा प्लस 2 × 2, ये आपको निकला 6.66। मैंने इसको इधर 6.67, ये जो मैंने 4 और 6.67 आपको पहले शो किए थे वो असल में यहां से कैलकुलेट करके पता चलता है, वो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए उसके ऊपर वो वैल्यूज प्लेस कर दी थी। तो आपको पता चला B पे 4 है, M2 4 टन्स,
एच पे 6.66 टन्स, इनका डिफरेंस ले लें, ये डिफरेंस तो प्रॉफिट का आ चुका था, ये डिफरेंस इधर प्लेस कर दें, ये देखिए 6.66 माइनस 4, ये क्या निकलेगा 1/2, हाफ 1/2, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट आपने 21, आपके ओरिजिनल मॉडल में प्रॉफिट था 21 और वो 1000 में था, 1000 हिडन था, बताया हुआ था कि लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो 1000 था, तो ये जो 1.2 है मतलब 0.5, तो 0.5 डॉलर को हम कहेंगे 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करके वो 500 डॉलर बन जाएंगे, तो ये आपकी Y2 जो है ये आपकी यूनिट वर्थ निकली है M2 की। अब मैं आपको वही चीज बताऊंगा, कैलकुलेट करने का बता दिया, यहां तक कैलकुलेशन बताएं कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर। अगर मैं शॉर्टली इसको यही कहूं, मेरे सामने ग्राफ है और हम M2 की यूनिट वर्थ निकालना चाह रहे हैं, देखें कितनी जल्दी मैं निकालता हूं, स्केल रखा M2 के अलॉन्ग, उसको पैरेलल स्लाइड किया, पॉइंट ढूंढा कौन सा पॉइंट है जहां तक मैं लेके जा सकता हूं, और वो निकला बी डाउनवर्ड, फिर स्केल रख मैंने नोट कर लिया बी पॉइंट है या उसको मार्क कर दिया, फिर स्केल रखा M2 के ऊपर और ऊपर स्लाइड किया, देखा कहां तक जा सकता है, जहां तक जा सकता है एक नया पॉइंट मिल गया H, उसको मार्क कर दिया, बस दो पॉइंट्स ले लिए, समय लिए, मेरा सेंसिटिव एनालिसिस यहां तक हो गया, अब मैं आसानी से प्रॉफिट यानी Z की वैल्यू और मटेरियल की वैल्यू देखनी है इन दो पॉइंट्स में, तो बड़ी आसानी से ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा Z इक्वल टू समथिंग, Z इक्वल टू 5x1 + 4x2, और B पॉइंट ग्राफ से देख लिया कोऑर्डिनेट्स क्या है, H पॉइंट भी ग्राफ से देख लिया कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स आपने Z में पहले B पॉइंट पुट करना है, एक Z आ जाएगी, फिर H पॉइंट पुट करना है Z के अंदर, Z की वैल्यू आ गई, ये चेंज इन प्रॉफिट उनका डिफरेंस लेके साइड पर रख लिया, सेम इसी तरह M2 की चेंज भी देखनी है, तो M2 की कंस्ट्रेंट ले आए, उसकी लेफ्ट साइड पे फोकस करना है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं, आपको M2 मटेरियल की क्वांटिटी पता चल जाएगी मिनिमम, और H पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं, आपको M2 की मैक्सिमम क्वांटिटी निकल आएगी, इनका डिफरेंस, तो दो डिफरेंस आ गए, ये जो दोनों डिफरेंस की रेशियो है ये आपकी Y2 होगी जिसको यूनिट वर्थ कहा जा रहा है, तो Y2 इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट फ्रॉम B2Z B2H डिवाइडेड बाय चेंज इन मटेरियल M2 फ्रॉम B2H, डिवाइड किया आंसर एज 1/2 0.5, क्योंकि प्रॉफिट थाउजेंड्स में है तो हमने कह दिया मल्टीप्लाई करें 0.5 को 1000 से, 500 आया तो हमने कहा 500 डॉलर। अब बता डिस्कशन करनी है कि ये 500 डॉलर क्या है, कोई स्टूडेंट बताएगा 500 डॉलर क्या है? जी ये प्रोडक्ट को खरीदने के लिए नहीं, प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं, ये मटेरियल यूज होना है आपकी एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट के बनाने में, ये माइंड में रखिए। सर खरीदने के लिए जो मटेरियल के लिए कॉस्ट आएगी, आप ये कह सकते हो कि आपका M1 एक टन आपके प्रॉफिट में कितनी चेंज लेके आ रहा है, 500 का वो प्रॉफिट दे रहा है एक्सटीरियर इंटीरियर पेंट के ऊपर, प्रॉफिट मिल रहा है एक्सटीरियर इंटीरियर पेंट को सेल करने में, लेकिन बनाने के लिए जो मटेरियल M1 है, तो M1 मटेरियल, अब देखें 3-4 सिचुएशंस हो सकती हैं, उसको मैं 1/1 डिस्कस करने लगा हूं। एक तो अभी यही है कि मेरे पास 6 टन के लिए मॉडल बना हुआ है, प्रॉफिट मिल रहा है 21,000 डॉलर, बताएं मैं मटेरियल पीछे से शॉर्टेज हो जाती है, मुझे मटेरियल मिलता है 5 टन्स, तो पहले मैंने देखना है सेंसिटिविटी एनालिसिस को कि सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या कह रहा है, ये फिजिबल भी है या नहीं, तो बताएं 5 टन्स तक सॉल्यूशन स्पेस तो नहीं चेंज हुई थी, आपकी मिनिमम वैल्यू बता देगी M2 की वो 4 निकाली हुई आपने, तो इट मीन्स आपका M अगर 5 की चेंज आती है 5 टन्स, तो 1 टन M1 M2 कम हुआ है, तो आपके मॉडल में आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, पहले 21,000 डॉलर था, अब कितना मिलेगा, बताइएगा, इसकी कंट्रीब्यूशन थी 500 है, सॉरी दोबारा से
सर 20,000 500 लेस होगा, $500। क्यों? आपका एनएससी चांस पे प्रॉफिट मिल रहा था $21,000, अब आपका 5 टन, 1 टन कम हुआ है, तो 1 टन की वर्थ, अभी हम ये जो कैलकुलेट किए ये 1 टन की वर्थ है, तो 1 टन की कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट के अंदर 500 की है, तो 1 टन कम हुआ तो $500 कम होगा ना प्रॉफिट, बताइएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर जी। और अगर 1 टन और कम कर दें तो फिर 500, 4 टन, तो पहले 500 कम होके था 20 पॉइंट, यानी $20,500 बना था, अब 1 टन और कम कर दिया, कितने टन हो जाएंगे? 4 टन। प्रॉफिट में क्या चेंज आएगी? 20,500 अभी है, क्या चेंज आएगी? और 20,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। मैं 1 टन और कम कर देता हूँ, 3 टन, क्या चेंज आएगी प्रॉफिट में? 19,500। नहीं, आपने साथ साथ देखने, आपने रेंज भी देखी हुई है, आपको खुली ऑप्शन नहीं है कि कम करते जाएं। 4 टन से नीचे तो फिजिबल स्पेस से बाहर हो जाता है वो, नोट किया पॉइंट? ये देखें, ये ड्राइव करते हुए 4 टन से बाहर, हमें मिनिमम रेंज 4 टन तक कर सकते हैं, तो ये भी जेहन में रखना है। पॉइंट क्लियर हुआ? लेकिन सर 4 तक तो जा सकते हैं। हाँ, 4 तक जा सकते हैं, तो एक तो इसको इस तरह से लेना। अब मैं इंक्रीज करने लगा हूं, 6 पे मॉडल हुआ हुआ है और आपको प्रॉफिट मिला है 21,000, 7 टन की वेरिएबिलिटी आ जाती है, कितना प्रॉफिट चेंज होगा? 7 तक नहीं जा सकते। 7,000 पहले देखें, 7 तक जा भी सकता है या नहीं? नहीं जा सकती, वह है 6.67। तो फर्ज करें आधा टन, हाफ टन इंक्रीज करते हैं, तो क्या बन जाएगा? 6.5 टन। यस सर, वो तो हो सकती है ना, तो फिर फिर प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, कितने डॉलर इंक्रीज होंगे? 500। नो, वो 1 टन के ऊपर है, आपने हाफ टन लिया तो 1 टन $500 है, $250। आपका जब निकल आया कि 1 टन की प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन 500 है, तो उसके हिसाब से अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई है प्रॉब्लम, राइट? सर आ गई। अच्छा, अब आपने ये भी देखना है कि कितना इंक्रीज, अगर 6.67 टन आपके आ जाए तो आप वो 1 टन 500 के हिसाब से ही प्रॉफिट इंक्रीज होगा, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो खैर, ये तो मैंने बता दिया कि अगर आपका ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अभी जरा नोट कीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, माइक ऑफ कर दें, किसी का माइक ऑन है, तो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो नोट करें। अभी हमने ये किया कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है, 6 टन पे हमने मॉडल किया, 21,000 हमें मिल रहा है, अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाए तो 6.67 से तो ज्यादा नहीं कर सकते, उतनी हो जाए तो 500 पर टन के हिसाब से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, और अगर पीछे से सप्लाई कम हो जाती है और वो 4 टन तक, 4 टन की रेंज भी रहती है, तो 500 पर टन के हिसाब से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये तो मुझे पिक्चर मिल गई कि मेरे पास पूरे मॉडल का सेंसिटिविटी एनालिसिस है, कोई चेंज मटेरियल M2 में होती है, मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है, मैं फॉरन कैलकुलेट कर सकता हूं, तो मेरे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बताएं, ये चीज पिक्चर समझ आ गई? बताइएगा। yes, sir. लेकिन एक इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करने लगा हूं, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस कब करते हैं? क्या मैन्युफैक्चरिंग मॉडल करने, पहले तो हम मॉडल करते हैं, मॉडल फॉर्मुलेट कर लेते हैं, एक कंस्ट्रेंट्स बनाई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं, यानी सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करके सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड पे भी हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट ये भी कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई। और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट क्या होना, अभी जो हमने लेआउट बनाया कि M1 खरीदना है, M2 खरीदना है, वो भी अभी खरीदने वाला बाकी है, अभी नहीं खरीदा, अभी तो सिर्फ देखा कि ये मॉडल है, ये उसका सोल्यूशन है, पेपर पे लीनियर प्रोग्रामिंग के जरिए हमें पिक्चर क्लियर हो गई कि ये हमारा मॉडल है और ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, X1 3 टन बनना चाहिए, बना नहीं है,
एक्स टू 1.5 टन्स अगर प्रोड्यूस करे, अगर प्रोड्यूस करें अभी बना नहीं है, तो हमें 21,000 डॉलर डेली प्रॉफिट होगा। ये पिक्चर सॉल्व करके हमें पता चल गया। अभी भी हमने रिसोर्सेज खरीदी नहीं है, सेंसिटिविटी एनालिसिस भी उससे पहले ही होता है। जैसे ही आपने फॉर्मुलेशन की, साथ ही आपने सॉल्व कर लिया, साथ ही आप सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं। ना तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है, ना अभी रिसोर्सेज परचेस की गई है। सेंसिटिविटी एनालिसिस उस टाइम पे हो रहा है। जब सेंसिटिविटी एनालिसिस कर लिया, सेंसिटिविटी एनालिसिस ने क्या कहा, एम टू $500 की कंट्रीब्यूशन है उसकी आपकी प्रॉफिट के अंदर, और M1 की हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था $750 थी यूनिट वर्थ। अब हम आज ही M2 के ऊपर ही बात करते हैं। मैंने अभी रिसोर्सेस M1 और M2 खरीदने जानी है। मैंने M2 अभी सेंसिटिविटी एनालिसिस पेपर पे हो चुका है, जैसे ही फॉर्मुलेशन की सॉल्व किया सेंसिटिविटी एनालिसिस उसी टाइम पे भी ऑपरेशन रिसर्च टीम ने कर लिया। M2 रिसोर्स खरीदने जानी है, मेरे माइंड में क्या चीज है, मेरे माइंड में जो $500 है ना एक टन की कंट्रीब्यूशन, ये शेडो प्राइस कह लें। मुझे ये है कि M2 मेरे सिस्टम के अंदर $500 में चेंज आती है प्रॉफिट में। अब मुझे ये नहीं पता चल गया कि मुझे M2 कितनी वैल्यू तक खरीदना चाहिए, ये जो पिक्चर मेरे माइंड में है। अब मैं मार्केट में खरीदने जा रहा हूं M2, वो सेल कर रहे हैं, वो तो नहीं ऑपरेशन रिसर्च के एक्सपर्ट, उनको क्या लेना देना, आप एक्सटीरियर पेंट बना रहे हो, ये इंटीरियर, वो तो मटेरियल M1 सेल कर रहे हैं, वो कहीं से खरीदा होगा, आपको प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। उनका उनको इन $500 की पिक्चर जो आपके माइंड में है, उनको उसका ना पता है, ना उनका कोई इससे लेना देना है। उन्होंने मार्केट में M1 जितने का खरीदा उससे थोड़ी सी प्रॉफिट पे आपको दे देना है। आप जाते हैं मार्केट में खरीदने M2, आपके माइंड में है, आप कैलकुलेट कर चुके हो सेंसिटिविटी एनालिसिस के जरिए कि $500 उसकी आपके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन होगी। आप उससे पूछते हो कितने का M1 है, वो आपको कहता है $400 का। बताएं आपको खुशी होगी या आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, बताइएगा। खुशी होगी। हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, क्यों, अगर हमें वो 500 का भी दे, 500 पे तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि अगर हम एक टन M2 लेते हैं तो 500, अगर वो हमें $500 देगा तो हमें, हम उसको 6 टन उससे ले लेंगे, एक टन $500 और 6 टन जो भी प्राइस बनेगी हम उससे उठा लेंगे। क्यों, उन्होंने जो बताया मुझे $500 वो प्राइस थी, एक्चुअल प्राइस। मेरे माइंड में जो उसकी शेडो प्राइस, उसको कहते हैं यूनिट वर्थ को शेडो प्राइस कहते हैं, मेरे माइंड में उसकी शेडो प्राइस है कि मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है ये। तो अगर वो 500 का देता है मैं उठा लूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट 21,000 मैक्सिमम मुझे मिल रहा है, ऑप्टिमल लेवल पे 21,000 मिला हुआ है। अगर वो मुझे 400 देते हैं तो देखें मेरे $21,000 जो मैक्सिमम मुझे मिल रहा है वो ऑप्टिमलिटी उसी तरह मैक्सिमम ही है। ये एक्स्ट्रा बचत है जो मुझे वो 400 में $100 की मुझे एक्स्ट्रा बचत मिल गई। और वो बचत कैसे मुझे पता चला, मुझे सेंसिटिविटी एनालिसिस में जो शेडो प्राइस है उससे पता चला, ये तो मेरी और मुझे फायदा हो गया। इसका वो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो 21,000 मैक्सिमम ही है। ये जो प्रॉफिट और बढ़ेगा ये ऐसे है कि रिसोर्सेज कम पैसों में मिली और फायदा हो गया। जी बताएं, पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। और अगर मेरे पास जो शेडो प्राइस का एडवांटेज क्या है सेंसिटिविटी एनालिसिस, मैं जब खरीदने जाता हूं मेरे माइंड में 500 उसकी शेडो प्राइस, वो मुझे एक्चुअल प्राइस कहता है $600 का, क्या करना चाहिए मुझे? नहीं लेना चाहिए सर। नहीं लेना चाहिए। आप खुद देख लें, बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ, प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई, आपके सेंसिटिविटी एनालिसिस ने आपको एक शेडो प्राइस आपकी रिसोर्सेस की भी दे दी और ये भी बता दिया आपका प्रॉफिट कितना वो ऑप्टिमल लेवल पे। सर मेरा क्वेश्चन, जी जी बोले सर, ये जो 500 पीस है सर, ये रॉ मटेरियल है ना कि इसको अभी मैन्युफैक्चर करना है, या फिर ये सर ये तैयारशुदा प्रोडक्ट है? नहीं, ये M1 मटेरियल ने, अब ऐसी ले ले रॉ मटेरियल है, इसकी मटेरियल तो सर मेरे मेरा क्वेश्चन इसके बाद था। जी जी सर, अगर हमें पता कैसे चलेगा कि जो हम वो एक चीज परचेज कर रहे हैं
उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगी, कि वो जो हमने खुद उसको रॉ मटेरियल लेके बनाना है, तो क्या पता अगर हम 400 पे ले रहे हैं उस डॉलर को, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में सर वो जो मटेरियल हो सर उससे ज्यादा एक्सीड कर जाए उसको नहीं, देखें तैयार करते हुए। देखें, आपके M1 में एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर दोनों में यूज होने हैं, जैसे केमिकल है कोई किसी चीज में बनने के लिए यूज होता है, ये कह रहे हैं। तो मैं उस केमिकल रॉ मटेरियल की प्राइस की बात कर रहा हूँ कि जब आपने परचेज करना है वो किस रेशियो से उसमें यूज हो रहा है, वो कंस्ट्रेंट के अंदर वो सारी कंपोजिशन है। आप कंस्ट्रेंट को देखें तो M2 में 1 टन आपका, वो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, यानी आपका M2 दोनों मटेरियल में यूज हो रहा है खास रेशियो से, जो फॉर्मूला केमिस्ट ने या जो भी उसके थे एक्सटीरियर पेंट और उसके एक्सपर्ट बनाने के, उन्होंने वो फॉर्मूला दिया हुआ है कि इस कंपोजिशन से इसमें यूज होना है। आपको M2 चाहिए दोनों को मैन्युफैक्चर करने, मैन्युफैक्चर वो हो रहा है, ये मटेरियल तो आप ऐसे ही ये खरीद रहे हैं ना ऐसे उधर से उठा के, और मैन्युफैक्चरिंग वो जो यूनिट है वो देखेगा कि कितनी क्वांटिटी आगे वो किस कंपोजिशन से उसने एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट बना रहे, तो जाहिर है ये मटेरियल ज्यादा होगा। कंपोजिशन फार्मूला वही है जो केमिस्ट ने बताया हुआ है, जो उनके प्लानर्स हैं उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है कि इस रेशियो से इनके अंदर यूज होगा तो एक्सटीरियर पेंट इतना बनेगा और इंटीरियर पेंट, तो वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना। कोई पॉइंट क्लियर हुआ? तो ठीक हो गया सर, क्लियर हो गया। ये तो एक रॉ मटेरियल है जिसने दोनों में यूज होने, खास कंपोजिशन में, तो उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है। आप देखें सेंसिटिविटी एनालिसिस ने आपको कितना बेनिफिट, आपने अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, सारी पिक्चर आपके माइंड में है कि ना सिर्फ आप ऑप्टिमल प्रॉफिट को देख रहे हो बल्कि रिसोर्सेज को परचेस करने का भी एक शेडो प्राइस आपके माइंड में आ गई। तो इसी तरह M1 की भी शेडो प्राइस हमारे पास 750 थी, तो मैंने कहा ये जो 24 टन्स M1 वो 24 टन्स था, ये जब आप खरीदने जाएंगे तभी भी आपके माइंड में होगी कि 1 टन वो हमने निकाली थी $750 उसकी शेडो प्राइस, तो आपके माइंड में खरीदते हुए कि 750 या 750 से कम मिलनी चाहिए, ज्यादा पे आप नहीं लोगे, एक तो ये फायदा हो गया, और अगर कम मिल जाएगी तो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह M2 की पिक्चर भी मिल गई, तो ये असल में हम देख सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए देखा ये है कि ये कितना कंट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट के अंदर। ये तो परचेस टाइम पे है, और मैंने परचेस के बाद भी बात कर दी कि परचेस करके काम शुरू हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गई, उसके बाद भी आप 24 और 6 टन आप खरीद के ले आए, आपको एक्स्ट्रा सेविंग भी मिल गई, काम शुरू हो गया, उसके बाद भी सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प क्या कर रहा है कि अगर फ्यूचर में एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड करें 24 टन में, तो आपको याद होगा उसकी हमने रखी हुई थी 24 टन 36 टन तक इंक्रीज कर सकते हैं, तो अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाए तो आपको उसकी भी रेंज का पता होना चाहिए, मटेरियल M1 कितना ज्यादा हो सकता है कितना कम, और आपको अभी भी एडिशनल, यहाँ एडिशनल पहले तो खरीदने गए थे ना, अब एडिशनल M1 और एडिशनल M2 कितनी आप सिस्टम के अंदर डाल सकते हो वो रेंज भी है, और ये भी पता चल जाएगा एडिशनल ऐड होने में प्रॉफिट में 21,000 से कितनी रेज और कम हो जाए। जी आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया।